9334302020। ये मिस कॉल नंबर है, इस नंबर पे मिस कॉल दे सकता है और मिस कॉल देने के बाद उनके पास एक SMS आएगा, एक लिंक आएगा, जिस लिंक को खोल करके वो सारी डिटेल को वो भर सकेंगे और चाहे तो अपना बायोडाटा जो है उसमें अटैच कर सकेंगे। RJD नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बेरोजगारी हटाओ यात्रा रोकने का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में आतंक मचा रहे कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने 31 मार्च तक सभी कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी यात्रा को लेकर अपना अभियान जारी रखा है। उन्होंने लोगों से इससे जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल कैंपेन चलाया है। तेजस्वी यादव ने मिस्ड कॉल अभियान से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर 9334302020 जारी किया है और कहा कि इस पर मिस्ड कॉल करें। साथ ही उन्होंने इस दौरान बेरोजगारी को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर हमला बोला। बेरोजगारी हटाओ यात्रा जो हम लोग हर जिले बार घूमने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है बिहार का मुद्दा है, बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। कोरोना वायरस के चलते 31 तारीख इसको हम लोगों ने स्थगित करने का काम किया और लगभग 4 दिनों में हम लोगों ने बेरोजगारी यात्रा को संपन्न किया और सभी 4 जिला में भारी मजबूती के साथ बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है बिहार के नौजवानों ने दिखाने का काम किया है और भारी संख्या में नौजवान जो है उसका हिस्सा बने और हमारे अभियान का समर्थन करने का काम किया। कई जो लोग हैं अपने बायोडाटा को भी हम लोगों को देने का काम किया है नौजवानों ने और लोगों की ये मांग थी कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। उसी सिलसिले में सभी लोगों के डिमांड पे, बिहार के नौजवानों के डिमांड पे राष्ट्रीय जनता दल ने एक मिस्ड कॉल नंबर वो जारी किया है। वो नंबर है मिस्ड कॉल नंबर का 9334302020। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9334302020। ये मिस कॉल नंबर है, बेरोजगारी हटाओ जो यात्रा है, जो अभियान है, इससे जुड़ने के लिए कोई भी जो है इस नंबर पे मिस कॉल दे सकता है और मिस कॉल देने के बाद उनके पास एक SMS आएगा, एक लिंक आएगा, जिस लिंक को खोल करके वो सारी डिटेल को वो भर सकेंगे और चाहे तो अपना बायोडाटा जो है उसमें अटैच कर सकेंगे और आगे चलते नहीं रिकॉर्ड हम लोग जो है इसी को लेकर के एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं और वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है जो SMS जो लिंक गया है ना पीसी चल रहा है उसी लिंक के जरिए भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं खोल कर। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अभी काम चल रहा है लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार में लगातार जो है पलायन बन रहा है। भाई जरा रोक दो, अरे नहीं भाई तो हमें पहले भी कुछ चल रहा है जिसका जवाब हम लोगों को नहीं मिला। काम रोजगार जो है देने का काम किया तो आज आप लोगों के समक्ष जो है क्योंकि सरकार ऐसा नहीं लगता कि करोड़ों बिहारी जो 7 करोड़ नौजवान है लगभग करोड़ों बिहारियों को हल्के में लिया है और बेरोजगारी के मसले पर रोजगार दिलाने के मसले पर ये सरकार गंभीर नहीं है। हम लोगों की आशा है उम्मीद है जो 18 सवाल हम सरकार से पूछना चाहेंगे लोगों की बड़ी उम्मीद रहेगी कि इस 15 साल की सरकार जो 15 साल में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया उसका जवाब जो है ये सरकार। पहला सवाल जो है हम पूछना चाहते हैं 15 वर्षों की सरकार बताए बिहार में IT कंपनियां क्यों में जिन्होंने 0 नंबर दिया
ये तो दुर्भाग्य है कि 15 साल आप राज किया और आप जो है एक गणित का, एक अंग्रेजी के, एक विज्ञान के टीचर को आप नहीं पैदा कर सकते, बना सकते, तैयार नहीं कर सकते। अगर बिहार में अगर गणित का टीचर नहीं मिल रहा, विज्ञान का टीचर नहीं मिल रहा, अंग्रेजी का टीचर नहीं मिल रहा, तो उसका और कौन दोषी है? दोषी केवल वही है जिन्होंने 15 साल बिहार में राज करने का काम किया, और वो कहते हैं कि बिहार में इन सारी चीजों की कमी है। केरल के अंग्रेजी के टीचर जो है यहाँ आकर के पढ़ाते हैं, नौकरी पाते हैं, क्या केरल का, हम सुशील मोदी जी से पूछना चाहते हैं, वहाँ की जो मदर टंग है वो क्या है? वो अंग्रेजी तो है नहीं, मलयालम है। जब वहाँ के लोग अंग्रेजी टीचर तैयार करके दूसरे प्रदेश भेज सकते हैं, तो बिहार में हम विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के टीचर क्यों बने? बल्कि बिहार का तो नाम है भाई, गणित में बिहारियों से कोई आगे नहीं है। फिर भी अगर ऐसी भाषा अगर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं, और दूसरी तरफ नौजवानों को इंसल्ट करते हैं, बेइज्जत करते हैं, एक तरफ कहते भाई यहाँ जो है कोई युवा सक्षम नहीं है टीचर बनने लायक अंग्रेजी का, गणित का, और दूसरी तरफ कहते कि आप चांद पे चले जाओ, चांद पे रोजगार पा लेंगे बिहार का। सुशील मोदी जी थोड़ा गंभीरता दिखे, आप की जो कमियां हैं, अगर बिहार में विज्ञान के टीचर नहीं मिल रहे, मैथ के टीचर नहीं मिल रहे, आपके इंग्लिश के टीचर नहीं मिल रहे, आप जो है पूरी तरीके से जो है रोजगार जो है उपलब्ध नहीं करा पाते, ऊपर से जो है आप नौजवानों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं, गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, तो कम से कम ऐसा काम मत कीजिए। और हम लोगों ने तो साफ साफ जो सवाल पूछा है, ये मेरा सवाल नहीं बल्कि उन 7.5 करोड़ नौजवान युवा भाइयों का सवाल है जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने डिग्री लेकर के नौकरियों में उनको मिल नहीं पा रहा। MBA का डिग्री आपने देखा होगा विधानसभा में भी 200 पद जो निकला, माली में आपने देखा होगा, चपरासी में MBA किया हुआ, BTech किया हुआ नौजवान जो है वो जो है एप्लीकेशन दे रहा, उसमें भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा। तो डोमिसाइल नीति अगर लागू क्यों नहीं कराया, डोमिसाइल नीति अगर लागू होगी तो लगभग जो है 90% बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिले, और कई राज्यों ने, अधिकांश राज्यों ने भी किया है। विधानसभा में भी हम लोगों ने, भोला जी ने भी सवाल को उठाया, हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ भी रखा, और उम्मीद था कि सरकार जो है इस पर लागू करी। 11वां सवाल, 15 वर्षों की सरकार बताएं आपने 15 वर्षों में कुल कितनी नौकरियां दी, साफ सवाल, और हमको नहीं लगता अगर नौकरी दी होंगे तो बताएंगे। और अभी कुछ दिन पहले सुशील मोदी जी का हमने बयान देखा होना, तो क्या हजारों नौकरियां दी? अरे भाई आप बताइए एग्जैक्ट संख्या बताइए, और 15 वर्षों में केवल 1000 नौकरियां, और लाखों नौकरियां जो है वो रिक्त है, इसमें बहाली नहीं हो रही, और बहाली जो हो रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और जातिवाद। तो इसका सवाल साफ है, आप साफ लोगों की उम्मीद है कि आप जवाब देंगे कि 15 साल में कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया। 15 वर्षों में हुई कुल नियुक्तियां का जिलावार और जातिवार आंकड़ा प्रस्तुत करे सरकार।